हेलो व्यूज, आज का हमारा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो है 3D मॉडल और उसकी फर्दर ड्राइंग आगे। तो सबसे पहले हम एक नई फाइल ओपन करेंगे, पार्ट के ऊपर क्लिक करके तो ओके का बटन प्रेस करना है हमने। उसके बाद फ्रंट प्लेन के ऊपर राइट क्लिक करना है, तो स्केच के आइकन के ऊपर हमने क्लिक करना है। जब भी हमने कोई पार्ट बनाना है तो उसके लिए तीन चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले होता है प्लेन सिलेक्शन, उसके बाद होता है स्केच क्रिएशन, और थर्ड पे फीचर यूज़ करना होता है। तो अभी हम सबसे पहले स्केच बनाते हैं। सबसे पहले एक सेंटर लाइन लगाते हैं यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे होल सर्कल लगाते हैं, एक यहाँ पे सर्कल लगाते हैं, एक और सर्कल यहाँ पे लगाते हैं। ये सर्कल और ये सर्कल इन दोनों को सिलेक्ट करके तो मेक इक्वल के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे ताकि दोनों की डायमेंशन जो है सेम हो जाए। उसके बाद ये सर्कल और ये सर्कल जो है इसको भी इक्वल करेंगे, दोनों को कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे तो ये इक्वल कर देंगे। उसके बाद लाइन की कमांड लेंगे, ये लाइन हॉरिजेंटल और ये लाइन जो है ये वर्टिकल होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ से इधर ये लाइन जो है और यहाँ पे ये लाइन, ये लाइन हॉरिजेंटल हमने करनी है, ये लाइन जो है ये वर्टिकल करनी है, एक सेंटर लाइन लगानी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद इस सेंटर लाइन को क्लिक करना है, इस सेंटर को क्लिक करना है और इस सेंटर को क्लिक करना है, इनको सिमेट्री कर देना है। नहीं, सिमेट्री की ऑप्शन डिफरेंट होती है, ये सिमेट्री इसको नहीं हम कर सकते। कंट्रोल जेड करके इसको दोबारा रिवर्स करेंगे तो ये डायमेंशन देते हैं हम। सबसे पहले यूनिट चेंज करेंगे, मिलीमीटर्स में कर देंगे। स्केच बंद हो चुका है, क्लोज हो चुका है, राइट क्लिक करके स्केच के ऊपर दोबारा स्केच ओपन करना है तो ये डायमेंशन देनी है यहाँ से यहाँ तक। तो ये डायमेंशन है 60 मिलीमीटर। उसके बाद ये वर्टिकल थी, ये लाइन हॉरिजेंटल है, और उसके बाद ये डिमेंशन भी यहाँ से यहाँ तक 60 मिलीमीटर ही है। उसके बाद ये जो डायमीटर है ये 40 है, तो ये भी ऑटोमेटिकली 40 ही होगा। जो इनर डायमीटर है वो 25 है। उसके बाद ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करेंगे और ये जो है ये पोर्शन और ये पोर्शन है ये सेपरेट करेंगे। इसको ऊपर लाकर इस लाइन से कॉन्सिलेंट करवा देते हैं।
उसके बाद ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन तीनों को सिलेक्ट करके सिमेट्री करें। इसकी डायमेंशन यहाँ से ले गई यहाँ तक जो है क्या देते हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक जो डायमेंशन है ये भी 50 कह देते हैं। यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन है ये भी 50 कह देते हैं। ये भी क्लोज स्केच बन चुका है। तो इसको हमने एक्सट्रूड बेस की कमांड इस्तेमाल करनी है, मिड प्लेन का ऑप्शन यहाँ से यूज़ करने, ताकि जितना लेफ्ट साइड पे एक्सट्रूड हो उतना ही राइट साइड पे एक्सट्रूड हो। इसको हमने 50 mm एक्सट्रूड करना है टोटल। तो ये एक पार्ट बन चुका है। उसके बाद टॉप प्लेन किस सरफेस के ऊपर राइट क्लिक करना है और एक नया स्केच ओपन करना है। यहाँ पे इसको नॉर्मल टू करवाते हैं। स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से एक लाइन लेके यहाँ से स्केच स्टार्ट करते हैं। सर्कल की कमांड लेंगे, यहाँ पे एक सर्कल लगाएंगे। इसका डायमीटर 50 रखेंगे। एक सेंटर लाइन लेंगे, यहाँ पे एक सेंटर लाइन लगाएंगे। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 40 होगा। यहाँ से यहाँ तक 20 होगा। और ये डायमेंशन जो है थर्टी होगी। मैं यहाँ पे एक लाइन लगाएंगे, इसकी डायमेंशन जो है वो भी 16 होगी। उसके बाद हमने मिरर की कमांड लेनी है। ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, इसको मिरर करवाना है। तो मिरर अबाउट में हमने वो लाइन सेलेक्ट करनी है जिस लाइन के हमने साथ मिरर करवाना है। ये लाइन सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये लाइनें लग जाएंगी। उसके बाद इस स्केच को क्लोज कर लें यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी एक लाइन लगा दें। उसके बाद ट्रिम की कमांड इस्तेमाल करेंगे, ये पोर्शन ख़त्म कर देंगे, ये पोर्शन भी ख़त्म कर देंगे, ये पोर्शन भी ख़त्म कर देंगे। अभी ये मुकम्मल एक क्लोज स्केच बन चुका है। तो हमें ये अंदर वाला पोर्शन चाहिए है, ये वाला, ये बाहर वाला हमने कट करना है। और उसके बाद
फ्लिप साइड टू कट, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो बाहर बाहर वाला पोर्शन होगा सिर्फ वही कट होगा। और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम यहाँ पे एक और रेक्टेंगल लगाएंगे। अब ये सारा पोर्शन कट होगा, जो अंदर वाली प्रोफाइल है वो जो है वो कट नहीं होगी, बाहर वाला सारा पोर्शन काटा जाएगा और अंदर वाली प्रोफाइल वो नहीं कट होगी। जिस तरह हम कोई भी बूस बनाते हैं तो उसके अंदर अगर हमने होल बनाना हो तो वो भी हम सर्कल अंदर लगा देते हैं, तो वो अंदर वाला पोर्शन उसको सॉफ्टवेयर यही अंडरस्टैंड करता है ये वाला हमने एक्सट्रूड नहीं करना, बाहर बाहर वाली जो साइड है ये एक्सट्रूड कट करनी है। यहाँ पे आप थ्रू ऑल की ऑप्शन क्लिक कर दें तो ये कट हो जाएगा। हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और लेकिन नया स्केच ओपन करेंगे, यहाँ पे एक होल क्रिएट करेंगे, डायमेंशन देते हैं 25 mm, एक्सट्रूड कट करेंगे थ्रू आल, ये पार्ट हमारा बन चुका है। सेव करके तो अभी हम जो है एक ड्राइंग इसकी बनाएंगे, न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, ड्राइंग के ऊपर क्लिक करके तो ओके का बटन प्रेस करना है, तो उसने खुद ही जो है मॉडल व्यू का ऑप्शन दे दिया है। तो हमने चूंकि पार्ट 15 जो लेक्चर 15 है वो ओपन किया हुआ है इसलिए वो पहले ही यहाँ पे शो हो रहा है, डबल क्लिक करके तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो वो शो हो चुका है। अभी हमने शीट चेंज करनी है, शीट 1 के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, यहाँ पे जाके ये शीट सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके एडिट शीट फॉर्मेट में जाना है, नेम चेंज करना है, पार्ट का नेम हमने लेक्चर 15 रखा हुआ है और एडिट शीट कर देना। उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है इसी व्यू के ऊपर और प्रोजेक्ट व्यू इसकी आइकन के ऊपर क्लिक करना है, एक नया व्यू ऊपर बन जाएगा और साथ ही ये एक 3D व्यू भी बन जाएगा लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे। तो इसको हम इसकी शेप चेंज कर देते हैं, डायमेंशंस देना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी हिडन लाइंस शो करवा देते हैं ताकि थोड़ा सा और इस रियल व्यू में हिडन लाइंस ख़त्म करवा देते हैं। हम तो सिर्फ हिडन लाइंस इसके अंदर शो करवानी है इस व्यू के अंदर, तो उसके बाद हमने एक सेंटर लाइन लगानी है। इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे और इस लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर एक सेंटर लाइन लग जाएगी। अभी डायमेंशन देना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ये डायमेंशन, उसके बाद यहाँ से ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये अंदर वाला होल का साइज देंगे, ये डिस्टेंस देंगे, और ये डिस्टेंस देंगे, यहाँ से ये डिस्टेंस देंगे,
तो यहाँ से ये डिस्टेंस देंगे। ये चूंकि दो 2x है जिसके साथ हम 2x लिख देते हैं, ये भी 2x है, दो जगह पे है, तो इसलिए हम इसके साथ भी 2x लिख देते हैं।